आइए एक भजन राम राजा सरकार के चरणों में सादर समर्पित है, क्योंकि बुंदेलखंड में ऐसे कलाकार हो गए हैं जिन्हें भगवान बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ऐसे गीत गाने लगे हैं जिन गीतों को सुनकर के हमारी माता बहनें, हमारे संभ्रांत नागरिक जन शर्म से सर नीचा कर लेते हैं। और ऐसे कलाकारों को यदि शिक्षा देना है तो मंच से उतार के नीचे वो स्थिति कर दो कि दोबारा मंच पर चढ़ने लायक ना बचे। बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में गाने के लिए बुंदेली स्वरूप ही होना चाहिए। गाऊंगा बुंदेली और ऐसा गाऊंगा और ऐसा गाता हूं जैसा परम पूज्य पंडित देशराज भट्टराय जी ने मुझे बताया। आज बुंदेलखंड में जितने भी कलाकार हैं उनमें कई कलाकार ऐसे हैं जिनके चरणों में मैं नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनकी शकल से मुझे नफरत है, इतना गंदा गाते हैं। मेरा एक संदेश है उन कलाकारों के लिए कि गंदा गाना बंद कर दो, इसमें भलाई है। अगर गंदा गाना बंद नहीं किया तो जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी उन गंदे कलाकारों। बस निवेदन है, प्रार्थना है। आज पूजनीय भट्टराय जी ने जो गाया है, पाठक जी ने जो गाया है, मुखिया जी ने गाया है, सविता जी ने गाया है, परम पूजनीय उर्मिला पांडे जी ने जो गाया है, आज कौन गा रहा है? सब ऐसे गा रहे हैं, दो दो लुगाई बगल में बिठा रही हो, गावो चालू कर दो। ये कोई कलाकार थोड़ी हो, ऐसे कलाकार नहीं होते। कलाकार वो होता है जिससे समाज का ध्यान हो, अपने परिवार का ध्यान हो, अपनी माँ का ध्यान हो, अपनी बहन का ध्यान। बस ये संदेश है उन गंदे कलाकारों के लिए। और मेरा कहना है एक राम राजा सरकार के चरणों एक छोटी प्रस्तुति है। कि तुलसीदास जी के पद कमल बन बारंबार मनाऊं ओ गुण गावै सी राम के सो हनुमत होए सहाय। चित्रकूट धाम हमारे बुंदेलखंड की वो धरोहर है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। इसीलिए कि कामद गिर हनुमत चरण मंदाकिनी को तीर और ए तीनों छूटे नहीं सो जब तक रहे शरीर। हमारे राम राजा सरकार इतने अच्छे हैं और ऐसे प्रार्थना करते हैं अपने राम राजा सरकार से कि हे प्रभु कि राम राजा आज रख दियो लाज तुम पर है नाज रघुबर प्यारे। अगर गाना है तो ऐसा गाओ और माखन भैया और ईशा भाई साहब ने भी कहा कि भाई साहब जब भी गाना अच्छा गाना वरना गाना बंद कर देना। वो यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूं, ये बात नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी जानते हैं। वो यही मैंने संध्या जी से कहा, बुंदेलखंड में बहुत सी गायिकाएं हैं लेकिन मैं समझता हूं सविता जी के बाद अगर किसी ने स्थान पाया है तो संध्या जी है। अगर इसमें किसी को शक हो तो आकर के गाले चाहे जब। राम राजा आज रख दियो लाज तुम पर है नाज रघुबर प्यारे ओ भक्तों के काज सारी समाज राखेंगे लाज और जावाए राखेंगे लाज और जावाए राखेंगे लाज और जावाए। राम राजा सरकार ओरछा में जब भी आप जाएं, सरकार के दर्शन करें, हर मनोरथ पूर्ण हुआ करते हैं और होंगे, लेकिन
सुन लीजिए मित्र कर मन पवित्र उत्तम चरित्र प्रभु को भाता। अगर पिकनिक मनाने के लिए जाओगे तो भगवान तुम्हें कभी लाइक नहीं करके पसंद नहीं करेंगे। सुन लीजिए मित्र कर मन पवित्र उत्तम चरित्र प्रभु को भाता। और जो दर आता गोबर पाता ऐसा देखा प्रभु से नाता। राज किसी ने किया है संसार में तो एक ही राज है, वो राम राज। राजों में राज भई लोग के लाज ना राज करे को रजवारे। लाजों में लाज है लोग के लाज ओरछा में आए प्रभु बनवारे। जनक किशोरे जय रघुनंदन जनक किशोरे। और राम राज आज रख दियो लाज तुम पर है नाज रघुबर प्यारे। ओ भक्तों के काज सारी समाज राखेंगे लाज और छावा। बात याद आई है दूल्हा राजा राम 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 सीता बनी है दुल्हनिया। राम रंग में रंगे राम रंग में रंगे राम रंग।
दैयो राम दर्शन दैयो राम दर्शन दैयो राम अरे दर्शन दैयो राम घर के मुकुट सोने के दर्शन दैयो राम घर के मुकुट सोने के जोड़ी सीताराम जोड़ी सीताराम मन से ना बिसरे बिसारी हाँ जोड़ी सीताराम मन से ना बिसरे बिसारी अगर भगवान के ब्याह की बात जब आई गई तो एक बात आई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में रामेश्वर से परो रामेश्वर से पर दुल्हन से ता समधि दशरथ जनको पुनीता दशरथ अति प्रीते करो वैदिक लौकिक सपुरीते करो वैदिक लौकिक सपुरीते बात है जब भगवान राम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया दूल्हा बनकर के आए दूल्हा सरकार बनकर के आए जनकपुर में और जब माता जानकी और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंडप में बैठे जो लौकिक रीति है उस लौकिक रीति के अनुसार राम सिए सिरो से दुरो दे शोभा कही ना जात विधि के शोभा कही ना जात विधि के कहना है दूल्हा राजा राम दूल्हा राजा राम दूल्हा राजा राम दूल्हा राजा राम सीता बनी है दुल्हन